माधवी लता मुस्लिम महिलाओं से कह रही है कि आप हमें वोट दो, हम आपको यहाँ के लिए 500 करोड़ रुपए निकाल के देंगे। मुस्लिम वोट की कितनी अहमियत है हैदराबाद में, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा लगता है कि माधवी लता भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है। अब हमको जिताएंगे तो आप तक आएगा अम्मा, समझ लीजिए इतना बस। आप आबाद हो जाइए, अच्छा हमारे लिए कोई वाली बात है। आज से कुछ दिन पहले माधवी लता का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जोर शोर से ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मस्जिद की ओर तीर चलाती हुई दिखी, आरोप लगा। लेकिन उसके बाद अब एक वीडियो आप देखिए, नवनीत राणा जो कि बीजेपी की नेता है और वो किस तरीके से हाथों में तख्ती लेकर है हिंदू राष्ट्र, और किस तरीके से वही एक्शन वही तीर चलाती हुई नवनीत राणा दिख रही है। दो लोकसभा में आप जानते हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, लोग काम से परेशान हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, महंगाई बढ़ चुकी है, और इस वक्त देखने को यही मिल रहा है कि उन मुद्दों से लोगों को भटका कर आगे बढ़ा जा रहा है। और इस चुनाव में भी मुसलमान सबसे अहम रोल निभा रहे हैं बीजेपी के लिए। मुस्लिम अगर ना हो तो बीजेपी के लिए जीतना कितना मुश्किल हो जाएगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए आपको हेट स्पीच देखने को मिल रहा है और हर भाषण में हर रैली में मुसलमान का नाम सामने आ रहा है, मुसलमान को ही फ्रंट पे रखकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आपको इस चुनाव में यही देखने को मिल रहा है।